गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं राम लखन महतो उत्कर्मित उच्च विद्यालय शिवाडी क्लास 8 के बच्चों को पहला पाठ द नाइव फ्रेम मैं आज क्लास लेने जा रहा हूँ। इसको आप लोग ध्यान से सुनेंगे और किताब को भी देखेंगे, ठीक है? देखिए किताब को। ए बर्ड हैड लेड एग्स जस्ट एवर द कार्निस इन केशव हाउस। केशव के घर में, कहा? केशव के घर में छज्जा पर, कहा? छज्जा पर चिड़िया ने अंडा दिया। क्या किया? ए बर्ड, एक चिड़िया, हैड लेड एग, हैड एग लेड, है ना? वह जो है अंडा दिया जस्ट एवर द कार्निस, कहा? कार्निस मतलब छज्जा के ऊपर, एवं मीन्स ऊपर, छज्जा के ऊपर, इन केशव हाउस, कहा? केशव के घर में, केशव के घर में एक चिड़िया ने छज्जा पर का किया, अंडा दिया, ठीक है? बोथ केशव एंड हिज सिस्टर श्यामा, केशव और उसकी बहन का नाम क्या है? श्यामा। क्या नाम है? श्यामा। वुड वॉच द बर्ड इंटेंटली, श्यामा और केशव दोनों जो है चिड़िया को एकदम उत्सुकता के साथ देखता था। क्या कहता था? उत्सुकता के साथ देखता था। एज दे फ्लू बैक एंड फोर्थ, और जब वह वापस आता था या फिर उड़ता था, फर्स्ट थिंग एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक दिन सुबह में क्या था? पहला चीज होता था, फर्स्ट थिंग, पहला थिंग था एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक दिन सुबह में, द टू वुड कम एंड स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द कार्निस, दोनों बच्चे कहाँ आते थे? कार्निस के सामने, उस छज्जे के सामने आते थे और खड़ा हो जाते थे। रबिंग देयर आईज, अपने आंख को रगड़ते थे, है ना? बैरली, है ना? बेयरली मतलब केवल, अवेक, जब वह जग जाते थे तो वह जो है सीधे आते थे कहाँ? छज्जा के पास, और छज्जा के पास आकर के अपना आंख को रगड़ते रगड़ते आते थे, ऐसे ऐसे करके रगड़ते रगड़ते आते थे और वहां आकर के खड़ा हो जाते थे और देखते थे। द प्लीजर दे ड्री फ्रॉम सेइंग द टू बर्ड्स वाज सो ग्रेट दैट दे इवन फॉरगॉट अबाउट द जॉयज ऑफ मिल्क एंड जलेबी। बच्चे इतने जो है ना अभिलाषित होते थे, इतना इच्छा व्यक्त करते थे कि वे लोग, उसका जो चिड़िया था, चिड़िया को देखने के लिए वे लोग एकदम आ जाते थे सामने और भूल जाते थे। क्या भूलते थे? जो स्पेशल चीज, जो खाने का चीज होता था, दूध और जलेबी, वे सभी दोनों भूल जाते थे। न्यूमरस क्वेश्चंस रोज इन देयर माइंड्स, उनके दिमागों में, उन दोनों बच्चों के दिमागों में बहुत सारे प्रश्न उठते थे। हाउ बिग वेयर द एग्स, अंडे कितने बड़े हैं थे, अंडे कितने बड़े थे, हाउ मेनी कितने थे, व्हाट डिड दे ईट, अंडे क्या खाते, यानी वे क्या खाते थे, हाउ वुड द चिक्स कम आउट, चिड़िया का बच्चा कैसे बाहर निकले, ऑफ देम उनसे, व्हाट इज द नेस्ट लाइक, घोंसला देखने में कैसा लगता था, कैसा लगता है, बट देयर वाज नो बडी अराउंड टू आंसर देयर क्वेश्चन, लेकिन उसके अगल बगल में कोई भी नहीं था उन लोगों के प्रश्न का उत्तर देने के लिए। माँ हैड नो टाइम फ्रॉम द हाउस वर्क, माँ के पास घर के काम के सिवा और उसके पास समय नहीं था। एंड बाबूजी फ्रॉम हिज बुक, और किताब, पिताजी जो है किताब में उलझे रहते थे। द टू चिल्ड्रेन हैड टू कम्फर्ट देमसेल्व्स, और दोनों बच्चे जो है अपने आप में आराम महसूस करते थे बाय आस्किंग द एंड आंसरिंग ईच अदर, एक दूसरे से कह करके और पूछ करके। श्यामा टेल मी, श्यामा बोल रहा है कि टेल मी भैया, भैया मुझे बताइए, श्यामा बोल रही है भैया मुझे
बताइए विल द चिक्स फ्लाई अवे, क्या चूजे उड़ जाएंगे? एज सुन एज दे कम आउट ऑफ द एग्स, जब वे चूजे अंडे से बाहर निकलेंगे तो वे उड़ जाएंगे। नो सिल्ली, बोला है कि बेवकूफ नहीं। केशव वुड रिप्लाई, केशव ने जवाब दिया प्राउड एज ए स्कॉलर, अपने बुद्धिमानी को दिखाते हुए बोला कि नहीं मूर्ख नहीं बेवकूफ नहीं उड़ेगा। फर्स्ट दे हैव टू ग्रो विंग्स, सबसे पहले वे अपने पंख को बढ़ाएंगे। हाउ वुड द पुअर थिंग्स फ्लाई विदाउट विंग्स, वह बेचारे छोटे जीव बिना पंख के कैसे उड़ेंगे? फिर श्यामा बोलेंगे, श्यामा व्हाट वुड द पुअर बर्ड फीड हर लिटिल वंस, वह बेचारी चिड़िया किस प्रकार से अपने छोटे बच्चों को खिलाएगी? द दिस वाज ए ट्रिकी क्वेश्चन फॉर इवन केशव टू आंसर, यह जो है केशव के उत्तर देने का यह एक चलाकी छली तरीका था, छली क्वेश्चन था। ए कॉपल ऑफ डेज वेंट, कुछ दिन बीत गए। बाय एंड द चिल्ड्रेन क्यूरियोसिटी इंटरेस्टेड इंक्रीज्ड, द कॉपल ऑफ डेज वेंट बाय, कुछ दिन बीत गए एंड द चिल्ड्रेन्स क्यूरियोसिटी इंक्रीज, और बच्चों की उत्सुकता और बढ़ गई। दे वेयर ईगर, वे उत्सुक हो गए टू सी द एग्स, अंडों को देखने के लिए वे उत्सुक हो गए। ईगर मीन्स उत्सुक होना। दे वेयर सर्टेन दे हैड हैच्ड बाय देन, और उसके बाद निश्चित रूप से अंडों को जो है सेने की बात होती है, हैच मीन्स अंडों को सेना देना और अंडे से बच्चे निकलना, यानी बच्चे किस प्रकार से निकले। हाउ दे वेयर सर्टेन, वे लोग निश्चित हो गए दे हैड हैच्ड बाय देन, कि अंडे से चूजे निकल गए होंगे। दे वेयर वुड द पुअर बर्ड फाइंड इनफ ग्रेन, और वह जो है बेचारे छोटी चिड़ियों को बहुत अनाज की आवश्यकता होगी उन बच्चों को खिलाने के लिए। हर ब्रूड अपने बच्चों को खिलाने के लिए। द चिक्स वेयर श्योर टू स्टार्व टू डेथ, और बच्चे निश्चित ही भूख से मर जाएंगे। द दिस थॉट लेफ्ट द सिबलिंग्स वेरी एनेक्सियस, और यह विचार जो है दोनों भाई बहन को पूरा उत्तेजित कर दिया। क्या कर दिया? उत्तेजित, एनेक्सियस मीन्स उत्तेजित। दे डिसाइडेड टू स्केटर सम ग्रेन, उन लोगों ने निर्णय लिया कि कुछ दानों को, कुछ अनाज के दानों को बिखेर दें ऑन द कार्निस, कहाँ छज्जा पर। फॉर द बर्ड्स, किसके लिए? चिड़िया के लिए। टू पिक, कि उठाएगा चुनेगा और अपने बच्चों को खिलाएगा। श्यामा सेड हैप्पीली, श्याम ने खुशी पूर्वक बोली ओह देन द बर्ड्स वॉन्ट हैव टू फ्लाई एनीवेयर इन सर्च ऑफ फूड, अब जो है चिड़िया अपने भोजन की तलाश में इधर उधर ज्यादा दूर नहीं जा सकता। विल सी, एकदम बिल्कुल। ओ नो, एकदम नहीं। सेड केशव, केशव ने कहा नहीं। वाई वुड सी, वह क्यों नहीं जाएगी? बट ऑन्ट द चिक्स बी रियली हॉट अप देयर, लेकिन वहां पर बच्चे जो हैं वास्तविक रूप में गर्म से महसूस नहीं कर रहे होंगे। ए न्यू ओरी क्रॉस्ड श्यामाज माइंड, यह जो है न्यू ओरी मतलब नया चिंता, श्यामा के दिमाग में नया चिंता जो है उत्पन्न हुआ। केशव हैड नॉट थाउट ऑफ दिस प्रॉब्लम अंटिल देन, और केशव जो है इस समस्या के बारे में ज्यादा देर नहीं, लगातार नहीं सोचा। यस लहा ही सेड, उसने कहा दे आर प्रोबेबली, प्रोबेबली मीन्स शायद, दे आर प्रोबेबली डाइंग ऑफ थ्रस्ट अप देयर, शायद वह पानी से
पानी के प्यासे मर जाए। दिस इज नो शेड, देयर इज नो शेड, वहां पर जो है छाया नहीं है। अबव द देम इवन, उन लोग के ऊपर छाया नहीं है, और छाया नहीं है तो वह भूखे से प्यास से मर जाएगा। इट वॉज फाइनली डिसाइडेड दैट, और उसके बाद उन लोगों ने एकदम फाइनली मतलब अंत में निर्णय लिया, ए मेकशिफ्ट रूफ वुड बी इरेक्टेड अबव द नेस्ट। और उन लोगों ने प्रबंध करने का कोशिश किया, कौनसिका कि एक छत रूफ बनाने का, छत बनाने का जो है निर्णय लिया कि वह कार्निस के ऊपर एक छोटा सा छत बना दें। द प्रपोजल फॉर ए ब्रॉल बॉल ऑफ वाटर, प्रपोजल में आया, प्रस्ताव में, प्रपोजल मीन्स प्रस्ताव, प्रपोजल में आया कि एक बॉल मीन्स कटोरी, एक कटोरी पानी एंड सम ग्रेन, और कुछ अनाज ऑफ राइस, चावल के दाने, वाज अल्सो अप्रूव्ड, उन्हें उसमें अप्रूव्ड मतलब अनुमोदन करना, मतलब ये सब लाने की बात प्रस्ताव हुआ दोनों भाई बहन में। बोथ चिल्ड्रेन बिगन टू वर्क, दोनों बच्चे काम करना शुरू किए, इन इयरनेस्ट तत्परता के साथ, इयरनेस्ट मतलब तत्परता, तत्पर होकर के, उत्सुक होकर के। श्यामा क्वाइटली ब्राउट सम राइस, श्यामा जो है चुपचाप जो है कुछ चावल लाई फ्रॉम द क्ले पॉट, क्ले मीन्स मिट्टी का बर्तन, क्ले पॉट मीन्स मिट्टी का बर्तन से वह जो है कुछ अनाज लाई, चावल लाई। केशव सेक्रेटली कंपेटेड द स्टोन बॉल ऑफ इट्स आयल, और सावधानी पूर्वक जो है रहस्यमय, सेक्रेटली मतलब रहस्यमय तरीके से वह जो है पत्थर का जो कटोरा था उसको ले आया जिसमें कि तेल रखा जाता था, स्क्रब्ड उसको, रगड़ा उल्लू इट क्लीन, और साफ किया किसको, कटोरा को, एंड रिफिल्ड इट विद वाटर, और उसमें का कर दिया, पानी भर दिया, का कर दिया पानी। बट देयर वेयर टू गेट द क्लोथ फॉर द शेल्टर, लेकिन शेल्टर के लिए उसको सुरक्षा के लिए कि कहाँ से कपड़ा लाएं, एंड हाउ टू मेक द रूफ, और किस प्रकार से छत बनाए, स्टे अप कि उस पर ठहर जाए, विदाउट सपोर्ट बिना सहारा का कैसे होगा। केशव पजल्ड ओवर द प्रॉब्लम, केशव जो है उस भ्रांति में, उस उलझन में पड़ गया, फॉर ए व्हाइल कुछ क्षण के लिए, बिफोर इट वॉज फाइनली रिसोल्व, उसके बाद उन लोगों ने उसे हल कर लिया। गो एंड ब्रिंग द गार्बेज, गया और घर का जो कूड़ा करकट कुछ सामान था उसको ले आया, बास्केट का, गार्बेज बास्केट, जो टुकड़ा जो है टूटा हुआ टोकरी था उसको उठा ले आया, मतलब गार्बेज मतलब कूड़ा करकट रखने वाला जो टोकरी था उसको उठा ले आया। मेक श्योर माँ डजंट सी यू, निश्चित रूप से माँ नहीं देखी होगी तुम्हें। बट इट इज गुड होल इन द मिडिल, लेकिन उसमें बीच में छेद करना होगा, विल इट कीप द सन आउट, जिससे कि सूरज की रोशनी बाहर निकलेगा। फर्स्ट ब्रिंग द बास्केट, सबसे पहले टोकरी लाओ, केशव सेड, केशव ने कहा, विद स्लाइट आयरिटेशन, कुछ हल्का हल्का क्रूध हो करके, आयरिटेशन मतलब क्रूध होना, कुछ हल्का क्रूध हो करके बोला कि पहले टोकरी लाओ, आई विल टेक केयर ऑफ द होल विद सम पेपर, कुछ पेपर के साथ उसमें छेद करेंगे, एंड रेस्टेड द बास्केट, और उसके बाद टोकरी को रखेंगे अगेंस्ट द ब्रांच ऑफ द नियर बाई ट्री, ट्री के पेड़ के सटा हुआ जो है उस टोकरी को रखेंगे। सी देखो हाउ द शेडो ऑफ द बास्केट फॉल ऑन द नेस्ट, किस तरह से टोकरी का छाया घोसला पर पड़ रहा है। द सन कैंट गेट थ्रू नाउ, अब उससे जो है सूरज की रोशनी नहीं जाएगा। यह जो है पहला भाग खत्म हुआ, अब है वर्ड मीनिंग कुछ, कार्निस, कार्निस में छज्जा,
वाच वाच मीन्स देखना, इंटेंटली मीन्स उत्सुकता से, रबिंग मीन्स रगड़ना, बेयरली मीन्स केवल, प्लीजर मीन्स इच्छा अभिलाषा, ड्रीम मीन्स खींचा, नंबरस मीन्स बहुत सारे, अराउंड मीन्स चारों ओर, हाउस वर्क मतलब घरेलू कार्य, कंफर्ट मतलब आराम, देमसेल्व्स मीन्स अपने आप, सिली मीन्स मूर्ख बेवकूफ, स्कॉलर मीन्स बुद्धिमानी, ट्रिकी मीन्स छली कपटी, क्यूरियोसिटी मतलब विलक्षणता कौतूहल, सर्टेन मीन्स निश्चित, हैच्ड मीन्स अंडर से बच्चा निकलना, स्टार मीन्स भूखा, सिबलिंग मीन्स भाई बहन, अनेक्सियस मीन्स उत्तेजित, स्केटर मीन्स बिखेरना, गार्बेज मीन्स कूड़ा करकट, आयरिटेशन मीन्स क्रोध होना, मेकशिफ्ट मतलब प्रबंध करना। कंप्रिहेंशन चेक फर्स्ट का प्रश्न उत्तर है, वेयर डिड द बर्ड ले देयर एग्स? आंसर है, द बर्ड्स लेड देयर एग्स जस्ट अबव द कार्निस इन केशव हाउस। व्हाट मेड केशव एंड हिज सिस्टर फॉरगॉट इफ द ले जॉयज ऑफ मिल्क एंड जलेबी? आंसर है, द प्लीजर दे ड्रीव फ्रॉम सेइंग द टू बर्ड्स दैट केशव एंड हिज सिस्टर फॉरगॉट द जॉयज ऑफ मिल्क एंड जलेबी व्हिच थॉट लेफ्ट द सिबलिंग्स वेरी एनेक्सियस। वेयर वुड द पुअर बर्ड्स फाइंड ग्रेन टू फीड हर ब्रूड? द चिक्स वेयर श्योर टू स्टार्व टू डेथ। इस तरह से यह भाग समाप्त हुआ। थैंक यू।